और भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है। किसने बनाई है? ये पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा, किसने बनाई दुनिया? भगवान कहता है, कौन उल्लू का बच्चा कहता है कि मैंने दुनिया बनाई है। अच्छा, मंत्री गलत नहीं है। हाँ। वो भयभीत है, डरे हैं। अच्छा। कहीं राहुल डर रहा है। हाँ। कहीं मोदी डर रहा है। हाँ। कोई अंबिका को अपने साथ मिला रहा है। हाँ। कोई चीन को मिला रहा है। सब लोग डर गए। अच्छा। किस्सा कुर्सी का हो रहा है। कितना पढ़ी लिखी है दादी? ये सब क्यों पढ़ रहे हो? नहीं दादी, आपकी जो नाम है ग्रेजुएट दादी नाम है आपके, तो पूछेंगे ना। बीकॉम पढ़ी हुई है, क्या बात है। चांदी के व्यापारी है। चांदी के व्यापारी, क्या बात। हाँ, और हमारे दो शोरूम भी थे। दो शोरूम। और मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, जेके टायर वालों की। मुझे बाल क्यों छिलवाए हुए हैं? संभाल नहीं पा रही हूँ। संभाल नहीं पा रहे हैं? हाँ। क्या जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो भाई जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो महंगाई जो बढ़ रही है, उस महंगाई को और चरम सीमा पे ले जाऊंगी अभी मैं। और महंगाई बढ़ाना चाहेंगे आप? क्यों? हाँ। क्यों बढ़ाएंगे? लेकिन महंगाई बढ़ाऊंगी, लेकिन इनकम का जरिया बढ़ाऊंगी साथ में। है योगी सही आदमी है। हाँ। बेकसूर तू किसी को। हाँ। चाहे वो माफिया जाए, उसको आप कठोर कारावास दोगे। अच्छा। लेकिन बुलडोजर चला के खत्म नहीं कर सकते। देयर इज सम ऑल माइटी पावर। अच्छा, ये तो और नीचे है, बट हूँ। अभी हमारे साथ एक ग्रेजुएट दादी हैं जो चांदनी चौक नई दिल्ली के गुरुद्वारा के सामने चांदनी चौक पे एक ग्रेजुएट दादी हैं। दादी सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल में आपका। हाँ बोलिए ना भैया, बोलिए। क्या नाम है दादी आपका? नाम से क्या लेना देना। अरे नाम तो बता दो। अनामिका। अनामिका, कितने दिन से यहाँ पर रह रहे दादी आप? हम तो 24 साल की उम्र से घूम रहे हैं। 24 साल की उम्र से घूम रहे हैं। कितना पढ़ी लिखी है दादी? ये सब क्यों पढ़ रहे हो? नहीं दादी, आपकी जो नाम है ग्रेजुएट दादी नाम है आपके, तो पूछेंगे ना। बीकॉम है। बीकॉम पढ़ी हुई है, क्या बात है। दादी यहाँ पर आप क्यों रह रही है? कितने दिनों से रह रही हो? कितने क्यों रह रही है? मैं, हम लोग चांदी के व्यापारी है। चांदी के व्यापारी। हाँ। क्या बात। हाँ, और हमारे दो शोरूम भी थे। दो शोरूम। और मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, जेके टायर वालों की, कुल पुरोहित की लड़की हूँ। अच्छा। हमारे कोई काम धंधा नहीं करता है। कोई काम धंधा नहीं करता? हमारे दान पुण्य का खाते हैं हम लोग बस। अच्छा। बच्चों चाहिए का दान लेते हैं, तो मेरी दादी बाल भिजवाती। अच्छा। तो मेरे पिताजी को गोद ला के दिया था। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर बन गए थे, बहुत बड़े गरीबों का, तो लेकिन 2 साल का अनाज हमारे ऐसे आता है। अच्छा अच्छा। तो सिंगारिया इनका कोई एक बार मर्डर हो गया था, तो हमारे हमारे जवान मौत का छत्ता खड़ा हुआ उसका बोलता है, तब हमको पता है। तब हमको पता लगा कि हम लोग दान दादी आप अभी बाल क्यों छुलवाए हुए हैं? संभाल नहीं पा रही हूँ। संभाल नहीं पा रहे हैं? हाँ। क्या बात है। और हमारे, हम फिर जैन धर्म में गए, हमारे बाल बाल नहीं रखते हैं। अच्छा। राग मिट्टी से हमने जैन धर्म अपनाया। हाँ हाँ। फिर राधा बल्लभ भी साधु बनी। अच्छा अच्छा। ऋषिकेश में तपस्या करी। अच्छा अच्छा। अघोर साधु बनी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? 90 के करीब जा रही है। 90 साल हो गई आपकी उम्र। हाँ। क्या बात है। बस यही बर्फी गुड़ यही खाती हूँ पानी। खाना उन्होंने खा ली सुबह से? कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत खूबसूरत लग रही है आप। खूबसूरत थी किसी जमाने में। किसी जमाने में खूबसूरत थी, साफ सुथरी, बढ़िया थी। अच्छा, आपके हस्बैंड कहाँ गए, पतिदेव और बच्चे? वो सब जुदा हो गए हमसे। सब जुदा हो गए, छीन लिए गए। छीन लिए। मुझे एक्सपायरी डिवोर्स कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि मैंने, मेरे कारण छापा लग गया घर में। आपके कारण घर में छापा लग गया? क्यों? आप चांदी की व्यापारी करती थी इसलिए? हमारे फॉरेन करेंसी होती है। अच्छा। वो उसके पास होती है जिसका सोना, जिसका चांदी बाहर जाता है विदेशों में। अच्छा अच्छा। हमारे बॉम्बे में हमारा बिजनेस है, मिट्टी वाली गली में। अच्छा। तो हमें CBI वालों ने बताया था। दादी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा। हाँ। जनसंख्या बढ़ने दो। अच्छा। हाँ। अगर बढ़ती है तो हाँ, उसको बढ़ने दो। हाँ। जनसंख्या पे रोक मत लगाओ। हाँ। और अगर रोक लगानी है तो उसके रोजी रोटी का लेकिन सबका प्रबंध करो। तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो भाई जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। करो। अच्छा अच्छा। कितने बच्चे पैदा करने चाहिए लोगों को? जितना जिसको जरूरत है, नहीं करना मत करो एक भी। अच्छा।
अगर जरूरी है तो करो। देश में महंगाई भी बढ़ रही दादी, क्या कहना चाहूँ। और या एकदम अगर खतरा है हाँ। तो फिर सबके इंजेक्शन लगा दो, बात ही खत्म हो जाएगी, बच्चे होंगे ही नहीं। अच्छा, वो इंजेक्शन भी तैयार करवाने के चक्कर में। अच्छा, देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे। हाँ, तो महंगाई जो बढ़ रही है उस महंगाई को और चरम सीमा पे ले जाऊंगी अभी मैं। और महंगाई बढ़ाना चाहेंगे आप, क्यों क्यों बढ़ाएंगे। लेकिन महंगाई बढ़ाऊंगी लेकिन इनकम का जरिया बढ़ाऊंगी साथ में। अच्छा, अगर आप हमारे को 15 रुपए की चाय है हाँ, तो 15 रुपए की एक गरीब कहाँ से खरीद के पिएगा। अच्छा, हम उसके रेट और हाई। अच्छा, सीता रमन और जो हमारी ये सिर्फ महंगाई बढ़ा रही हैं। अच्छा, अगर हम इसका रेट अखबार का जो दुनिया की खबर दे रहा है इसका रेट सबसे ज्यादा कर दूंगी तो मैं। अच्छा, 2 रुपए का 5 रुपए का अखबार नहीं मिलता, सारी दुनिया की न्यूज दे रहा है। हाँ, प्रिंटिंग का नौकर का खर्चा है, कचौड़ी चीज यही होटल में बैठ के खाता है। अच्छा, 2 रुपए खाएगा। अच्छा, और यही तुझे सड़क पे मिल रही है, तो होटल के भी रेट आगे करूंगी मैं। अच्छा, होटल के भी रेट आगे करेंगे, बिल्कुल, दुकानों के। अच्छा, इनकम टैक्स भी आगे बढ़ा दूंगी मैं। अच्छा, आप बढ़ाएंगे। हाँ, मैं सरकार को वो एडवाइस करूंगी। अच्छा, टैक्स बढ़ाऊंगी साथ में। अच्छा, अरे भैया बहुत और केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे। केजरीवाल सिर्फ थोड़ा ये दे दिया, थोड़ा वो दे दिया, दारू। हाँ, बुचड़ खाने बंद करूंगी मैं। बुचड़ खाने बंद कराने हैं आप, किसी को हिंसा बंद। अच्छा दादी, जोगी जी को जानती है, जोगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उनकी भी गलती है, योगी सही आदमी है। हाँ, बेकसूर तू किसी को। हाँ, चाहे वो माफिया जाए उसको आप कठोर कारावास दोगे। अच्छा, लेकिन बुलडोजर चला के खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, आप उसको जेल में चलाओ। अच्छा, और मरते दम तक नहीं सुधरे मत छोड़ो। अच्छा, लेकिन आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जोगी जी गलत कर रहे हैं। हाँ, जोगी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को मारने का हक नहीं है जोगी को। नहीं, हम एक मच्छर को मारना पाप समझ रहे हैं। अच्छा, वो एक इंसान को कैसे मार सकता है। सही बात है। अब जब मच्छर को भगवान ने बनाया, हम भगवान को सैकड़ों गाली देते हैं। हाँ, कि आपने गलत बनाया सिस्टम। अच्छा, आपने मच्छर की व्यवस्था क्यों नहीं करी। अच्छा, उसका काम तो खून पीना है। अच्छा, वो हमारा खून पिएगा, हम कहाँ तक नहीं मारेंगे। अच्छा, आपने उसके भोजन की व्यवस्था क्यों। जोगी से बड़ा कसूरवार तो मेरा भगवान है। अच्छा, भगवान देखा भगवान को आपने। हाँ, कहाँ देखा। उसने ये दुनिया देखा किसी ने नहीं। हाँ, वो रेखा गणित का सिद्धांत है। अच्छा, पर उसके हाथ में पावर है। हाँ, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे अब। अच्छा, क्योंकि समय बड़ा भयंकर आ गया है। अच्छा, भगवान लोग भगवान के बारे में कुछ कहते। भगवान के बारे में यही है, मैंने लिखा है किताब जो की अधूरी है। हाँ, वो वही लिखा। आप किताब लिखे हैं। हाँ, क्या बात है। 25 पन्ने चोर चक्के बदमाश दिल्ली में जेब कतरे बहुत है। अच्छा, योगी इसीलिए मार रहा है, योगी गलत भी नहीं है। अच्छा, लेकिन योगी को एकदम जान से खत्म करने का हक नहीं है। नहीं है हक, क्या बात। उसको साले को सड़ाओ। अच्छा, जेल में कठिन पर, और उस पर जैसे मोदी 10-10 बॉडी गार्ड रखता है उसके ऊपर रखो। अच्छा, बाहर निकल के बदमाशी नहीं करे। बाहर निकल के बदमाशी नहीं करे, पर जान से नहीं मारोगे। अच्छा, हर इंसान गलतियों का पुतला है। अच्छा, पता नहीं उसने कितने रास्तों में भटका जब बदमाश बना हो। दादी सुना है आप अंग्रेजी बोल लेते हैं। अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी बोलो तो मैं। व्हाट योर नेम। मैंने पढ़ाई यहाँ की पढ़ी है। व्हाट योर नेम। पढ़ाई लिखाई तो है, किसी को चोरी बनाने माहिर है। दादी मैंने आपकी अंग्रेजी देखी है, पराठेदार अंग्रेजी बोलती है। इससे बस लोगों को अंग्रेजी आती है। आती है। व्हाट योर नेम। अनाबिका। सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन। बीकॉम। क्या बात है। आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी। मेरी शादी तो हो गई थी, सगाई हुई थी 18-19 साल की। 18-19 साल की उम्र में। उसके बाद कब अपने घर द्वार छोड़ दिया। 24 साल की उम्र से मेरी शादी ने मुझे घर से, क्योंकि पैसे लाके चांदी में अरेस्ट हो गए थे लोग। अच्छा। और हम चांदी चौक में रहते थे। अच्छा। 80 मिलियन में 9.5 करोड़ की कोठी। 9.5 करोड़ की कोठी है। हाँ, में। अच्छा, तो ये घर आप घर से। हमारा बिजनेस है मेन। घर से आप बेघर कैसे हो गए। मेरे कारण छापा लग गया था। थोड़ा। तब मुझे CBI वालों ने बताया था। मैंने सुना था आपको कि घर वाले ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया था आपसे। हाँ, वो। हाँ, क्या CBI वालों ने छापा लगा दिया था। अच्छा। उन्होंने दिखाए थे कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्मगलर है। अच्छा, हाजी मसान के ग्रुप के लोग। अच्छा, तो बॉम्बे से हमारा मिट्टी वाली गली में बिजनेस था। तो वहाँ प्याज के गट्ठों से ट्रेन से फेंक दी गई थी जानी। अच्छा, अच्छा। वहाँ से एक
आया था फौजी भी, उसने भी बताई मेरे को ये बात। अच्छा। सिप के जरिए फिर तब और जाती थी चांदी। अच्छा, अच्छा। आजकल एक सवाल, मेरे को भी मुझा एक्ट लगा दो, वो स्मगलर पे लगता है। स्मगलर पे लगता था, तो आप चांदी की व्यापारी कर दी थी पहले, यही ना? चांदी का भी था, कपड़े की भी दो एजेंसियां थी। अच्छा अच्छा। वो तो ले ली कपड़े वालों ने, छापा लग गया। अच्छा अच्छा। और टाउन हॉल पे वहाँ 9 गाड़ी रहती थी, 2 बड़ी बड़ी पुलिस की जीपे। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ गए? हाँ? बच्चे आपके? वो फिर जुदा कर दिए, अच्छा हुआ। तो आप तो रोड पे रह रही है ना, तो बढ़िया है। ये बच्चे पालते हम भी, और उनको पाली पाते हम भी, यही भीख मांगते थे। अच्छा। कोई चोर चक्का बदमाश बन जाता, कोई कुछ बन जाता। घर क्यों नहीं जाते? कोई नशेड़ी बन जाता। घर क्यों नहीं जाते? हमें खुद जैसे नौकर चाहिए, अभी भी आप देखते हैं। अच्छा अच्छा। मेन पॉइंट बस इतना ही है, मेन पॉइंट यही है। अब मेरा इंटरव्यू मत लो। अच्छा। हर इंसान की अलग अलग कहानी है, मेरा इंटरव्यू बस यही है कि अब सारी पॉलिटिक्स को पहले खत्म करो। हाँ। ना कोई कांग्रेस रहे, ना आरएस, कोई नेतागिरी खत्म कर दो। अच्छा। क्या? हाँ। बिल्कुल नेतागिरी खत्म कर दो। अच्छा। और सारी दुनिया को भेज करो, प्रेम का पहाड़ा पढ़ाऊंगी अब। हाँ हाँ, सही बात है, प्रेम को पहाड़ा पढ़ाना चाहिए। प्रेम का पहाड़ा कोई गलत नहीं है। अच्छा। कोई भी नेता नहीं होगा, किसी स्टेट का कोई नेता नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया हमारी है। अच्छा। ये खालिस्तान क्यों बना रहा है, इसकी क्या वजह है, इसका ढूंढो, उसको क्यों डरा रहे हो? हर आदमी गुरुद्वारा बना रहा है, कोई मंदिर क्यों बना रहे हैं, उसका कारण है, भयभीत। अच्छा। है, डरा डरा है, डरा डरा रहा है ना। अरे भाई, मेरा सिक्का होगा तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। हाँ। मेरे आगे पीछे फौज होगी तो नेता भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबकी रक्षा करो, सब एक संग। अगर आप देश का भला करना चाहते तो गोली खा जाइए। अगर मैं देश का, मैं अपने सीने पे गोली खा जाऊंगी। अच्छा। हाँ, अगर मेरा अपना बच्चा भी होगा और वो गलत कर रहा, सही कर दो मेरे सामने। अच्छा। और आज मैं दूर होकर भी ये बात कहती हूँ, अगर मेरा बच्चा गलत कर रहा है, कहीं भी है, और लोगों की तरह सता रहा है, तो हे धरती माता, उसको कफन भी ना मिले। अरे वाह, क्या बात है, इतना बड़ा त्याग कहाँ से आया आपने? इतना बड़ा त्याग कहाँ से आया आपने? बस मैं, भगवान ने मुझे भावना, ऐसा बच्चे से आदमी औरत बांध हो जाए, ऐसा बच्चे को तो, अगर मेरा बच्चा क्या पता इससे बड़ा बदमाश हो इन आतंकवादियों से, तो भगवान उसको कफन भी ना मिले। अगर वो बेवजह किसी को सता रहा है तो किसी की हंसी मत उड़ा, किसी का, अगर कोई गलत कर रहा है तो पूछो क्या वजह है। हाँ। तू गाली क्यों बक रहा है? हाँ। तू क्यों चिल्ला रहा है? हाँ। तू दारू क्यों पी रहा है? हाँ। नशा क्यों, किसने सताया, हमें वजह बता। सही। अच्छा। हाँ। सबसे पहला काम ये है, कोई मंत्री करे ना करे, आप पशु हिंसा नहीं कर सकते हो। हाँ।